हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ एकदम शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त हो गए। कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी? उम्मीद करता हूँ वो भी एकदम बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, मैं शुरू करने वाला हूँ आज से SSC GD 2025 के अवसर सीरीज का हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। यानी कि आज से मैं प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया हूँ SSC GD का, जिसमें से मैं आपको डेली 10 क्वेश्चन कराऊँगा GK का, हिंदी का और मैथ और रीजनिंग, यानी कि चारों सब्जेक्ट्स का मैं जो है प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। तो आप लोग डेली हमारी वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। तो हम आज क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी। हिंदी का आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और हम इसको आज कवर करेंगे। इसमें 10 क्वेश्चन को पढ़ेंगे और क्वेश्चन वो रहेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। यानी कि इसका जो लेवल है वो ज़्यादा हार्ड नहीं रहता, वो लेवल जो है ईजी ही रहता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले माता सरस्वती जी का नाम लेके, माता सरस्वती का नाम लेके हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि माता सरस्वती जो है हमारी शिक्षा की देवी हैं, इनकी वजह से ही हमें शिक्षा जो है प्राप्त होती है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर देखते हैं SSC GD के क्वेश्चन। तो देखिए, यहाँ आप सबके सामने एक पहला क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन क्या है? दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। यानी कि जो शब्द दिया है, ये क्या शब्द दिया है? शब्द दिया है संसार नश्वर है। क्या दिया है? संसार नश्वर है। हमें इसका जो है विलोम शब्द बनाना है। तो नश्वर का विलोम क्या होता है? क्या संपन्न होता है, या फिर दानव होता है, या संहित होता है, या फिर अनश्वर होता है? तो हम आपको बता दें कि जो है नश्वर का जो विलोम होता है वो होता है अनश्वर। क्या होता है विलोम इसका? तो इसका विलोम होता है अनश्वर। आप लोग बढ़िया बेहतरीन तरीके से अनश्वर जो है टिक लगा देना। तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक ज्ञात कीजिए, सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। यानी कि पुस्तकालय में हाथ से देखिए क्या लिखा है। पुस्तकालय में हाथ से लिखी एक भी पुस्तक उपलब्ध नहीं है। क्या पुस्तकालय में एक भी हाथ से लिखी हुई पुस्तक उपलब्ध नहीं है? तो इसका क्या रहेगा? तो इसका रहेगा क्या पांडुलिपि रहेगा, या फिर चित्र पुस्तक रहेगा, या प्रतिलिपि रहेगा, या फिर छाया प्रति रहेगा? तो इसका एकदम सटीक आंसर रहेगा, पांडुलिपि। क्या रहेगा इसका एकदम सटीक आंसर रहेगा? पांडुलिपि। क्या रहेगा? पांडुलिपि इसका एकदम जो है सटीक आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? दिए गए वाक्यों में क्या दिया है? दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। क्या दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात करना है? अब देखिए क्या दिया है इसमें, यहाँ दिया है समान का दुरुपयोग ना करें। क्या दिया है? समान का दुरुपयोग ना करें। तो इसमें दुरुपयोग मतलब रेखांकित किस पे? दुरुपयोग पे रेखांकित है ना, तो हमें दुरुपयोग का विलोम बताना है कि दुरुपयोग का विलोम क्या होता है। तो दुरुपयोग का विलोम होगा क्या? सदुपयोग होगा दुरुपयोग का विलोम, या फिर कठोर होगा, या निरुपयोग होगा, या फिर कुरुपयोग होगा। तो क्या समान का सदुपयोग ना करें? हमको तो यही सही लग रहा है। क्या सही लग रहा है? समान का दुरुपयोग ना करें, इसका विलोम होगा समान का सदुपयोग ना करें। क्या होगा? समान का सदुपयोग ना करें, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आगे क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए आगे क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों में क्या? निम्नलिखित प्रश्नों में चार विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के सही पुल्लिंग रूप वाला विकल्प है। हमें इसका आंसर बताना है। तो क्या है क्वेश्चन में? मैं अपने परिवार के साथ घूमने जाऊंगा। क्या दिया है? मैं अपने परिवार के साथ घूमने जाऊंगा, जाने वाली हूं। मैं अपने परिवार के साथ घूमने जाने वाली हूं। तो हमें जो खाली जगह है इसके स्थान पर पुल्लिंग रूप वाला विकल्प भरना है। तो क्या क्या कहेंगे? क्या मैं गाड़ी में अपने परिवार के साथ जाने वाली हूँ, ये तो स्त्रीलिंग हो गई, ये तो स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग है। और क्या मैं अपने परिवार के साथ, मैं अपने अपनेपन में, क्या मैं अपनेपन में परिवार के साथ घूमने जाने वाला हूँ, ये तो गलत है भाई। और क्या
मैं दिसंबर में अपने परिवार के साथ घूमने जाने वाली हूँ। यानी कि देखिए जितने महीनों के नाम हैं ये सब पुल्ली लिंग में आएंगे। किस में आएंगे? पुल्ली लिंग में। तो इसका सही सटीक आंसर क्या हो जाएगा? मैं दिसंबर में अपने परिवार के साथ घूमने जाने वाली हूँ। तो इसका दिसंबर जो है एकदम सटीक आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या है, आगे क्या दिया है। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या दिया है, सही विकल्प नहीं है। क्वेश्चन क्या है कि ईश्वर की शरण में जाना ही उद्धार देश प्राप्ति का एकमात्र मार्ग है। क्या उद्धार? अब हमें उद्धार का जो है पर्यायवाची बताना होगा। क्या उद्धार का पर्यायवाची परित्राण होता है, या उद्धार का छुटकारा होता है, या उद्गम होता है, या विमुक्त होता है? हमें इसमें बताना है, इसमें हमें क्या बताना है, इसमें बताना है कि सही विकल्प नहीं है, यानी कि पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो उद्धार का जो है परित्राण ये तो सही है, अब उद्धार का छुटकारा ये भी सही है, और उद्धार का विमुक्ति यानी कि छुट्टी, यानी कि हमें मुक्त हो जाना है, ये सही इसका आंसर है। अब उद्गम इसका सही आंसर नहीं है। उद्गम जो है उद्धार का जो पर्यायवाची नहीं है, तो यही हमारा जो है सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं कि आगे क्या दिया है। आगे दिया है निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला विकल्प है। अब क्वेश्चन क्या दिया है, महाभारत में कहा गया है कि जो सब धर्मों को सम्मान नहीं देता है वह धर्म नहीं, सधर्म है, तपस्या है, अधर्म है, आचार है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो इसमें ऑप्शन सही रहेगा कि महाभारत में कहा गया है कि जो सब धर्मों को सम्मान नहीं देता है वह धर्म नहीं अधर्म है। क्या है वो? धर्म नहीं अधर्म है। तो यहाँ हम क्या कहेंगे, वह धर्म नहीं अधर्म है। तो इसका कौन सा आंसर, जो इसका आंसर सी जो है एकदम राइट हो जाएगा, सी इसका ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे देखते हैं आगे क्या है। तो आगे है दिए गए वाक्यों में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करें रिक्त स्थान की पूर्ति करें। यानी कि इसमें क्या दिया है कि पर्वत जो है डैश स्थिर है, स्थिर का हमें पर्यायवाची बताना है कि स्थिर का पर्यायवाची क्या होता है। क्या स्थिर का पर्यायवाची निश्चल होता है, या गिरावट होता है, या सुगम होता है, या मंगल होता है? तो इसका जो है पर्यायवाची क्या होता है स्थिर का? तो स्थिर का पर्यायवाची होगा निश्चल। क्या होगा? निश्चल यानी कि बिना चले, यानी कि पर्वत जो है वैसे चलता तो है नहीं, तो इसको हम कहेंगे पर्वत जो है निश्चल है, यानी कि चलता नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे आठवां क्वेश्चन देखते हैं कि आठवां क्वेश्चन क्या है। दिए गए वाक्य में रेखांकित भाग के लिए उचित सार्थक शब्द का चयन कीजिए। क्वेश्चन क्या दिया है, रात होते ही डभी बढ़ गई। तो इसका डभी का मतलब क्या है, डभी के लिए हमें जो है सार्थक शब्द चुनना है। क्या रात होते ही भीड़ बढ़ गई, या रात होते ही भाड़ा बढ़ गया, या रात होते ही भाड़ बढ़ गया, या रात होते ही डाभ बढ़ गया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा रात होते ही भीड़ बढ़ गई। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है एकदम से राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज वेरी राइट। ठीक है, तो चलिए हम आज के आगे नवा क्वेश्चन देखते हैं कि नवा क्वेश्चन क्या है। नवा क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। तो क्वेश्चन क्या दिया है, अलादीन का चिराग। तो हमें इसका बताना है कि इसका क्या रहेगा, क्या भाग खुलना रहेगा, या आमना सामना होना, या आश्चर्यजनक वस्तु, या पूरी तरह से वश में करना। अब देखिए जैसे कि आपने कोई ऐसी बहुमूल्य वस्तु पा गए, तो लोग आपसे कहते हैं कि भाई
तू तो अलादीन का चिराग पा गया, यानी कि आश्चर्यजनक वस्तु, ऐसी आश्चर्यजनक वस्तु जिसे हमें बहुत आश्चर्य हो, तो उसे हम कहते हैं अलादीन का चिराग। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा कि आश्चर्यजनक वस्तु। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी जो है एकदम से राइट हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इज वेरी राइट। ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं दसवां क्वेश्चन का। तो दसवां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से चार विकल्प में उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के तत्सम रूप का सही विकल्प है। यानी कि मेरे पड़ोसी का घर बन रहा है, इसलिए बहुत सी ईंट मंगवाई गई। यानी कि हमें इसमें ईंट का जो है वो तत्सम बताना है। तो ईंट का तत्सम क्या होगा? क्या ईंट का तत्सम रेट होगा, या इष्टिका होगा, या गंडक होगा, या अच होगा? तो इसमें कौन सा होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है वो ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट होगा। ईंट का क्या हो जाएगा? तो ईंट का हो जाएगा इष्टिका। क्या हो जाएगा? इष्टिका। तो यहाँ पर रहा होगा मेरे पड़ोसी का घर बन रहा है, इसलिए बहुत सी इष्टिका मंगवाई गई हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी एकदम से राइट हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग SSC GD 2025 के अवसर सीरीज को डेली देखिए। मैं डेली जो है वीडियो 11 बजे अपलोड करूँगा। कितने बजे? मैं डेली जो है 11 बजे वीडियो अपलोड करूँगा। आप लोग 11 बजे इसको ज़रूर से ज़रूर देखें। तो यदि आप लोगों को वीडियो हमारी जो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको बढ़िया से बढ़िया ऐसे प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन मिलते रहें प्रीवियस ईयर्स के, जो आप SSC GD में अच्छे से स्कोर करके आएँ।